नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे हैं आप सभी? बाबा की कृपा से आप सब, उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे। और ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो केदारनाथ धाम के लिए मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप केदारनाथ यात्रा करें, क्या माहौल है इस समय यात्रा का, कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं, बसें मिल रही हैं और रहने खाने की क्या व्यवस्था है, टेंट ले या होटल ले, और केदारनाथ मंदिर के आसपास रुकने के लिए व्यवस्था ना हो पाए तो कैसे आप अपने लिए व्यवस्था करें। तो इस तरह के बहुत सारे जो है आपके प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम बाबा भोलेनाथ की यात्राओं संबंधित इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप तक स्टिक जानकारी पहुंचा सके। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है केदारनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए साल 2022 में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस समय बात करना चाहूँगा भीड़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है अब यात्रा कर रहे हैं इस महीने में, सितंबर के महीने में, और वो जानना चाहते हैं कितनी भीड़ है इस समय और कैसे यात्रा चल रही है, कितना समय लग रहा है दर्शनों में। तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, इस समय भीड़ एकदम से बढ़ गई है। डेली 40 से 50 हज़ार यात्री बड़े आराम से दर्शन इस समय कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भीड़ जो है मई जून की तरह बढ़ने वाली है। अभी 15 सितंबर के बाद भीड़ एकदम से ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ रहने खाने की व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ ऊपर केदारनाथ मंदिर के आसपास। तो उन यात्रियों के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वो कैसे यहाँ रुक सकते हैं और कैसे यहाँ टेंट लेंगे या आप यहाँ होटल ले सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप केदारनाथ यात्रा में स्टे करते हैं तो लगभग 5 नाइट स्टे आपको करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप हरिद्वार से और हरिद्वार तक की यात्रा करते हैं तो पहले दिन आप हरिद्वार में स्टे करेंगे और वहां से शाम को अपनी बस का टिकट ले लेना है और सुबह वहां से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नाइट आपकी हरिद्वार में स्टे हो जाता है और उसके बाद आप सुबह जब वहाँ हरिद्वार से चलते हैं सोनप्रयाग के लिए तो बसें आपको सीतापुर में उतार देती हैं। सीतापुर से 3 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है और उसके बाद आप वहां से 5 किलोमीटर आपको गौरीकुंड जाना होता है। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है, तो इसलिए अगर आप हरिद्वार से सुबह के समय चलते हैं तो शाम तक आप सीतापुर में पहुंचेंगे और सीतापुर या सोनप्रयाग में आप रुकने की व्यवस्था अपने लिए कर सकते हैं। तो सेकेंड नाइट स्टे जो है वो आपका सीतापुर या सोनप्रयाग में रहेगा और उसके बाद आप नाइट स्टे कर अगले दिन जब चलते हैं पैदल ट्रैक में तो वहाँ भी आप जो है सुबह चलकर शाम तक ऊपर मंदिर के पास पहुँचते हैं और फिर शाम को जो है तीसरी रात आपको वहीं केदारनाथ मंदिर के आसपास स्टे करना होता है। और दोस्तों, ऐसे ही फिर जब आप वापस आएंगे तो वापस आते वक्त भी आपको एक स्टे जो है नीचे सोनप्रयाग या सीतापुर में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दोपहर को अगर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए तो लगभग शाम को ही आप नीचे पहुँचेंगे गौरीकुंड में। तो शाम को यहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए जो है आपको फिर से यहाँ सोनप्रयाग या सीतापुर में स्टे करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप वापस हरिद्वार जाएंगे तो एक दिन आपको वहाँ हरिद्वार में फिर से स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आप जो है अपनी जहाँ भी जिस भी एरिया में जाना चाहते हैं वहाँ की ट्रेन लेंगे तो वो ट्रेन जो है आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आप एक नाइट मान के चलिएगा वापस हरिद्वार में आपकी लगेगी। तो इस तरह से आप 5 रातें जो है इस यात्रा में रुकने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हरिद्वार में काफ़ी आपको सस्ते धर्मशाला और होटल मिल जाते हैं। उसके बाद आप सोनप्रयाग या सीतापुर में आते तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप होटल ले सकते हैं, डॉर्मेट्री ले सकते हैं और इस तरह से आपको यहाँ पक्के होटलों की व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन जब आप यात्रा ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो यात्रा के दौरान आपको जो है टेंट ज़्यादा मिलते हैं और पक्के जो होटल हैं वो सिर्फ केदारनाथ मंदिर के आसपास ही कुछ ही होटल्स हैं, बाकी जो है मोस्टली यहाँ टेंट लगते हैं और टेंट में आप यहां रुक सकते हैं। हालांकि जो है ठंड की बात करूं तो इतनी ही ठंड आपको टेंट में लगेगी और इतनी ही ठंड जो है यहां होटल के रूम में भी लगती है।
तो क्योंकि काफ़ी ठंडा एरिया है इसलिए हर जगह ठंड रहती है, और अगर आप टेंट में भी रुकते हैं तो कोई किसी तरह की दिक्कत वहाँ नहीं होती। तो इस तरीके से आप रुकने की व्यवस्था अपने लिए कर सकते हैं। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि केदारनाथ मंदिर के पास जो है नाइट स्टे करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यात्रियों को आती है, वहाँ बहुत सारे रूम्स और टेंट बुक हो चुके होते हैं जिसकी वजह से यात्री जो है अपने लिए व्यवस्था नहीं कर पाते, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी भीड़ के समय यात्री बाहर ही रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन अगर बनती है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप लिंचोली रुक सकते हैं। लिंचोली में आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। लिंचोली में बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, हालांकि पक्के होटल नहीं हैं और कुछ डॉर्मेट्रीज बना रखे हैं GMVN के, और बाकी यहाँ टेंट मिल जाएंगे आपको बहुत सारे जिनमें प्राइवेट टेंट भी हैं और GMVN के भी टेंट हैं, और यहाँ रेट भी कम रहता है। अगर ऊपर टेंट आपको 1000 का मिल रहा है तो यहाँ नीचे लिंचोली में आपको वही टेंट 500 से 600 रुपये में मिल जाता है। और लिंचोली की अगर मैं दूरी की बात करूँ तो दोस्तों देखिए लिंचोली मात्र 3 किलोमीटर जो है बेस कैंप से है। 3 किलोमीटर आप सुबह ट्रैक स्टार्ट कीजिए और आप आराम से 2 से 3 घंटे में या 4 घंटे में ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से आराम से दर्शन कीजिए और वहीं फिर आप वहां से वापस दोपहर के समय चलेंगे तो नीचे आराम से गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने लिए रुकने की व्यवस्था जो है इस यात्रा में कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ खाने की, क्या किस तरह का खाना मिलता है। देखिए सोनप्रयाग तक तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ तक रोड के माध्यम से गाड़ियाँ चलती हैं, तो हर तरह के अरेंजमेंट यहाँ भक्तों के लिए हो जाती है। लेकिन अगर बात करें गौरीकुंड से आगे की, तो गौरीकुंड से आगे जो है लिमिटेड सोर्स रह जाते हैं। घोड़े खच्चरों से ही यहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें जो है कैरी की जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं ऊपर दुकानों तक। तो यहाँ आपको सादा खाना मिल जाएगा जिसमें दाल चावल या सब्जी होती है, और इसके अलावा आपको यहाँ फास्ट फूड या इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। स्नैक्स आपको मिल जाएंगे, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट, पानी, कोल्ड ड्रिंक, और इस तरह से आपको जूस वगैरह ऐसी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। काफ़ी दुकानें हैं रास्ते में, तो ज़्यादा अगर आप सामान कैरी नहीं करना चाहते हैं तो रास्ते में भी आप जो है अपने लिए सारी चीज़ें ले सकते हैं, और ऊपर रेट डबल हो जाते हैं। इसलिए मैं सुजेस्ट करूंगा कि जो यात्री कैरी कर सकते हैं तो अपने लायक अपना जो स्नैक्स है वो नीचे से ही लेकर जाएं, और जिन यात्रियों को रास्ते में अगर स्नैक्स लेने हैं तो वो वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन रेट में डिफरेंस रहता है। ऊपर जो है सामान ले जाने में खर्च बढ़ जाता है इसलिए वहाँ डबल रेट ऊपर हो जाते हैं, और नीचे वही चीज़ आपको जो है MRP पर मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ खाने की व्यवस्था रहती है। अब मैं बात करूं कि बसें कैसे मिलेंगी, कितनी भीड़ है, और बस की टिकट पहले से ही बुक कराएं या क्या करें। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, इस समय सितंबर का समय चल रहा है, काफ़ी पीक सीज़न है, यात्रा जोरों पर है, और मेरे कुछ मित्र साथी गए थे यात्रा में, तो कल ही उनसे मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि हरिद्वार से शाम को जब वो बस की टिकट बुक करा रहे थे तो कोई भी बस खाली नहीं थी, सभी टिकटें बुक हो चुकी थी। तो इस समय ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि सारी बसें जो है ऑनलाइन बुक हो रही हैं और यात्रियों को काफ़ी समय लग रहा है यहाँ गाड़ियाँ बसें लेने में। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन ऐप से भी बुक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ आकर भी अपनी टिकट ले सकते हैं। जिन भी यात्रियों को पहले शाम को टिकट ना मिले तो वो सुबह के समय 4 बजे यहाँ बस स्टैंड पर आ जाइएगा, तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था जो है कुछ ना कुछ हो जाती है, और इस तरीके से आप अपनी ये यात्रा प्लान कर सकते हैं। और एक मैं अब भी आपको मेन बता देता हूँ, बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि कितना बजट हम मान के चले इस यात्रा के लिए। देखिए भक्तों, इस यात्रा का जो बजट है, अगर एक आप सोलो ट्रैवलर इस यात्रा को करने आ रहे हैं तो आप 8 से 10 हज़ार रुपये का बजट मिनिमम मान के चलिएगा। 8 से 10 हज़ार रुपये एक सोलो ट्रैवलर के यहाँ आसानी से खर्च हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है मुश्किल भरा रास्ता है, यहाँ ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, और इस तरीके से आपका जो बजट है वो 8 से 10 हज़ार रुपये का यहाँ लगभग खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा प्लान कीजिए, और यात्रा के जो है सिर्फ मात्र कुछ ही दिन रह गए हैं, और 26 अक्टूबर को कपाट बंद हो रहे हैं, इससे पहले आप प्लान कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महा